जम्मू द्वीप का गेट है ये, ठीक है। सो गाइस इस पत्थर का यूज किया जा रहा है, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे डिजाइन किए गए हैं। और सामने देखो मेडिटेशन टेम्पल है, ये मतलब स्टेशन बना रखा है। ये स्टेशन एक तरह से सेट होता है ना, बिल्कुल वैसे सेट बना रखा है। एरावती हाथी की सवारी हो रही है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाबुड ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, फाइनली मैं आपको आज लेकर आया हूँ हसनापुर, जो कि ये मेरठ में बसा हुआ है। महाभारत से जुड़ी बहुत सारी हिस्ट्री की, महाभारत से जुड़ी हुई बहुत मंदिर हैं जो यहाँ पे हैं, तो वो जो सब चीज़ें कवर करने वाले हैं हमारे वीडियो के अंदर। आपको एक एक वीडियो, एक एक मंदिर के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं और कवर करते हैं मंदिर और दिखाते हैं हसनापुर कैसा है। तो चलिए, सो गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं मंदिर पे, जो हाँ जम्मू द्वीप का गेट है ये, ठीक है। ये प्रवेश द्वार है, तो अंदर चलते हैं। और बहुत सुंदर मंदिर है यार, मैंने पहली बार आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते देखते हैं पूरी। सो गाइस, ये देखो हसनापुर का जम्मूद्वीप मंदिर है ये। तो ये देखो इसका इतना अच्छा व्यू है, और आप देखिए, और ये देखिए अभी यहाँ पर एक, ये रात को चलता है, इसमें से वाटरफॉल होता है। तो फिलहाल चलते हैं, और बहुत अच्छा व्यू है यार काफ़ी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अगर आप सामने आओगे ना तो बहुत आनंद आने वाला है। हापुड़ के पास मेरठ में इतनी अच्छी जगह है, वो हमें पता नहीं था। सो गाइस, जैसा कि आप एंटर करोगे तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर आपको ना अपने मोबाइल, पर्स, ये सब संभाल कर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर छीन लेते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, पीछे फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी की गई है, पार्किंग की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। तो बहुत अपना आओ यहाँ पर बैठ के आराम से मन को खुश भी कर सकते। भाई अनुज बताइए, कैसा लग रहा है आपको? अभी तक तो बढ़िया मज़ा आ रहा है, अभी अंदर जाके पता चलेगा क्या होने वाला है। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो, अच्छा भाई आप बताओ। भाई मैं तो यहाँ पे पहले भी आया हुआ हूँ, पहले भी बहुत मज़ा आया था। और देखो सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, वो दिखाओ पहले, वाइट वाली। ये जो बिल्डिंग है ना, अभी बनी है 2 साल के अंदर अंदर ही, 2 साल पहले वो नहीं थी। तो मंदिर काफ़ी अच्छा है गाइस, सबके सब आओ, हापुड़ वाले भी आओ भाई, मेरठ वाले भी आओ, मेरठ के पास ही है गाइस, बहुत अच्छा मंदिर है। ठीक है गाइस, चलते अंदर। मतलब यहाँ पे बहुत भीड़, ज़्यादा दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। बाहर पार्किंग में भी मैंने काफ़ी गाड़ी देखी थी, तो यहाँ पर फोटोग्राफी वीडियो। तो सबसे मेन देखो, आपने देखा होगा, मैंने स्टार्टिंग में दिखा दिया था रथ, ये रथ देखिए आप, मतलब हाथी हैं सवारी कर रहे हैं। ओनली चार्ज इनका मेरे हिसाब से 20-30 रुपये का करीब होगा, ज़्यादा है नहीं, और एक दो राउंड लगवाएंगे आपसे। तो देखिए आप। तो गाइस, अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हो तो उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि देखो बच्चों को हाथी बहुत पसंद है। तो ये देखिए बच्चों के लिए। और एक मैं दिखा देता हूँ, जम्मू द्वीप रेल, यानी कि 20 रुपये का टिकट है जम्मू द्वीप रेल का। और ये देखिए यहाँ पर आप रेल की सवारी कर सकते हैं, और बंदर के से थोड़ा सावधान रहें, चिपटने के लिए चिपट जाते हैं। तो ये देखिए, और गाइस ये देखिए कोलंबस, ये कोलंबस का मगरमच्छ का झूला है। और ये देखिए, बच्चों के साथ आओगे तो काफ़ी आनंद आने वाला, बच्चों को भी, तो अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ आ सकते हैं। तो ये भाई देखिए, ये सामने चढ़ गए बंदर मामा, बच के रहेंगे हम इनसे बंदर मामा से। बंदर तो बहुत ज़्यादा बंदर हैं यार, हर जगह बचना पड़ेगा, हर मोबाइल भी छीन सकते हैं ये भाई। एक बार हम भी ट्राई करेंगे इस हाथी पे चढ़ने के लिए, भाई ऊपर चढ़ चुके हैं और व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो चढ़ते हैं हम भी और ट्राई करते हैं। तो गाइस अभी मैं सवारी करने वाला हूँ एरावत हाथी की। तो हाथी रहा। तो एरावत हाथी है, ये इन पर चढ़ते हैं और सफाई करते हैं। कदम मुझे भाई
So guys, finally, मैं हाथी के ऊपर चढ़ चुका हूँ और काफी आनंद आ रहा है यार, बहुत अच्छा। मैं समझ लो ऐसा लग रहा है रियल हाथी पे सवारी कर रहा हूँ। तो नीचे उतरते हैं अब। तो गाइस जम्मू दीप में आप देख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा मंदिर है। और देखो ऊपर चोटी पे जाने के लिए एक इसका अलग टिकट है और नाव में बैठने के लिए अलग टिकट है। तो मैं अंदर से आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अंदर बंद है फिलहाल। अभी कोशिश करेंगे अंदर जाने के लिए, ट्राई करेंगे। वैसे इसका टिकट लिया जाता है तो दिखाते हैं हम अभी। उधर साइड आप देख पा रहे हैं, उधर देखो रेल के डब्बे हैं, वो मतलब इस तरह से बना रखा है रेल के डब्बा बच्चों के लिए। और इधर आप देख रहे हैं, इधर झूले वूले हैं बच्चों के लिए। और इधर देखो एरावती हाथी की सवारी हो रही है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने करा था ये रियल है, और ये चक्कर राउंड राउंड लगाएंगे, 20 रुपये का टिकट है इनका। आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं। सो गाइस ये देखो, ये आपकी जो है रेल डिब्बे हैं, ये मतलब स्टेशन बना रखा है। ये स्टेशन एक तरह से सेट होता है ना, बिल्कुल वैसे सेट बना रखा है, लेकिन ये बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे जैसे रियल है ऐसा लग रहा है। देखो सामने इंजन भी है आगे, और ये बाकी डिब्बे हैं, और ये बाकी जैसे लेडीज़ बैठी है बाहर, ये स्टेशन पर जैसे बैठते हैं सेम वैसे ही इन्होंने सेटअप बना रखा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये गाइस जो है ना जैन मंदिर है, तो इसके अंदर जो है जैन मंदिर को बहुत सारे बोलते हैं कैलाश पर्वत है, और अंदर बना रखा है, तो अभी वो बंद है फिलहाल, अभी लोग लगा रखा है। एक सामने देख रहे हो कैलाश पर्वत ही है ये, अंदर जो दिख रहा होगा, दिख रहा है सामने सीधा कैलाश पर्वत। तो बाकी अभी लोग लग रहा है, इसे मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बाकी अभी चलते हैं और आगे दिखाते हैं। बहुत कुछ है, बहुत वीडियो अगर ये लंबी हो जाए तो पूरी देखना, लेकिन मज़ा पूरा आने वाला है। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं जैन मंदिर, ये बनने वाला है, और अभी स्टार है, अभी स्टार्टिंग चल हो गया है, बन रहा है अभी काम चालू है। सो गाइस ये है शिव शांति त्रिमूर्ति मंदिर, जो कि अभी बहुत अच्छा कारीगरी चल रही है, और एक एक चीज़ की कारीगरी आपको दिखाता हूँ, पत्थर की कैसी कारीगरी है। सो गाइस इस पत्थर का यूज़ किया जा रहा है, देख लो कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन किए गए हैं, यही सी पत्थर का यूज़ किया जा रहा है। सो गाइस आप देखो सामने, देखो मेडिटेशन टेम्पल है, तो सामने आप वहाँ पे अपना बैठ कर ध्यान लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सामने बैठना है। और यहाँ पर दिखा है जूते चप्पल मोजे चमड़े की बेल्ट आदि उतार कर चलें, तो यहाँ पर ये समय सूचना दे दी गई है, तो उसका ध्यान जरूर रखना है आपको। सो गाइस मेडिटेशन मंदिर के बाद आपको मैं यहाँ से दिखाता था जो मंदिर ये बन रहा है, इधर की साइड बन चुका है, लेकिन कितना खूबसूरत है यार, राजमहल की तरह एकदम। तो एक बार आप देख लें, अगर मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहना कि कैसा लग रहा है आपको, एक बार यहाँ पे हम वीडियो करवाते हैं। ऊपर जाने के लिए वहाँ पे आपको 10 रुपये का टिकट है, और वहाँ पर फिलहाल वहाँ पे वीडियो बना नहीं सकते ऊपर, तो इस वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। और ये यहाँ पर आप 10 रुपये देकर कांच के अंदर शीशे में आप दर्शन कर सकते हैं भगवान शांतिनाथ के, ठीक है गाइस। तो बहुत अच्छा मंदिर है, ब्यूटीफुल व्यू है एकदम, तो देखते रहें आप, मुझे कमेंट करके बताते रहना कैसा लग रहा है। बाकी यहाँ पर सब मेरे साथ ब्लॉगर हैं, ये भाई हैं सब मेरे साथ आए हुए हैं, तो व्यू काफ़ी अच्छा है यार, बहुत गजब का। देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ठीक है। सो गाइस अभी तो ये समझ लो अभी तो कोहरा पोहरा पड़ रहा था, थोड़ा सा शांत हुआ है मामला, और धूप भी निकल चुकी है। गाइस ये है देखो आपको तीन लोग रचना, इसके अंदर आप जा सकते हैं दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे, या 8 बजे से 5 बजे तक खुला हुआ रहता है, तो ऊपर तक मंजिल तक है, तो यानी कि दर्शन कर सकते हो। मैं बहुत सारे भगवान है, हर तरह की मूर्ति अंदर है, ठीक है। इस बहुत चलते हैं। तो गाइस जब भी आप मंदिर आओ तो यहाँ पर जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, इनको पढ़कर जरूर एंटर करना, क्योंकि हर चीज़ की यहाँ पर जो लिखा गया सख्त बोर्ड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब अगर किसी चीज़ के अंदर आप एंटर कर रहे हो तो। सो गाइस और देखिए कितना अच्छा अच्छा व्यू है, और यहाँ फैमिली अपने बच्चों के साथ फैमिली के साथ आप आ सकते हो, सब यहाँ पे अपनी फैमिली लेकर आए हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं यार, मैंने पूछा था एक जैसे, तो आप मेरठ से भी, हापुड़ से, बुलंदशहर से, यानी दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो हर चीज़ के यहाँ पर टिकट है 10-20 रुपये, ज़्यादा महंगे भी नहीं है। सो गाइस तो मैंने बाकी सारी चीज़ तो कवर कर ली है। तो गाइस फाइनली वो अब हमने पूरा मंदिर कवर करा दिया है, और अब हम वीडियो को करते हैं यहीं एंड, क्योंकि हमें जाना दूसरे मंदिर, वहाँ की भी वीडियो हम कवर करने वाले हैं। तो बाकी भाइयों कैसा लगा मंदिर, और कुछ कहना चाहोगे मंदिर के बारे में? गाइस 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 दिल खुश हो गया मंदिर देख के, और गाइस मेरे तो घर जाने का मन ही ना कर रहा। अच्छा सो कैसा, मतलब सबसे बढ़िया चीज़ है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी भी है, अगर यहाँ आ रहे हो तो हर चीज़ की आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और खासकर बोर्ड पढ़कर उसमें एंटर करें,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सख्ताई भी है भाई। और गाइस अपने परिवार के साथ जरूर लेके अंदर मंदिर में ना जाए, ना जाए। और बाकी अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर जरूर आए, ठीक है गाइस, बहुत अच्छा मंदिर है। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर हमें चैनल पर पहली बार आए हो, चाहे आप मेरठ से देख रहे हो, बुलंदशहर से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे मिलने वाली वीडियो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है आपको। तो बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।